पहले भक्ति थी, लेकिन इस भक्ति को अगर कोई रस रूप में परिणत दिया है श्री रूपा गोस्वामी, जो भक्ति की अलग अलग डेफिनेशन दिया है, भाव का लक्षण किया है, प्रेम का लक्षण किया है, साधन का लक्षण किया है, ये सब लक्षण को श्री रूपा गोस्वामी ने बताया। अगर ये नहीं बताते ना, फिर तो हम भ्रमित होकर के पास थोड़ी सी आंखों से आंसू आ गया है, थोड़ी सी छलांग लगा दिए, कुछ कर दिए, बोले तो बहुत बड़ा भगत हो गया भाई, तो बहुत बड़ा भगत हो गया। इसलिए रूप गोस्वामी ने ही भक्ति को रसरूप दिया है। इसलिए हमारे जितने सब गोस्वामी लोग हुए हैं, सबके सब रूप गोस्वामी की आनुगत्य की प्रार्थना की। जैसे श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं,
तद सुनियाचि साधु मुखे बोले सर्व जाना श्री रूपा कृपाए मिले जुगल चरण। जिन्हें कहते हैं हमने सब साधुओं से हमने क्या सुना, सब एक ही बात कहते हैं, जब श्री रूप गोस्वामी की कृपा होगी तभी राधा कृष्ण का जुगल चरण की सेवा प्राप्त होगी। क्योंकि कभी जब तक तो कोई रूपानुगत को स्वीकार नहीं करे तब तक कभी उनको राधा कृष्ण सेवा में अधिकार नहीं, अधिकार देने वाले श्री रूपा गोस्वामी रूपा मंजरी। इसलिए श्री लोकनाथ दास गोस्वामी कहते हैं हैं कब लोग वो कहते हैं मरे कबे कबे लोकनाथ मरे हई वे साधय श्री श्री रूप कर संग संग ले जाता। इसलिए उसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते कब ऐसे दिन होगा कबे लोकनाथ मरे संग ले आ जावे श्री रूप कर पाद पद में मरे समर्पित हो। तब कब मेरे ऐसे दिन होगा मेरे जो गुरुपाद पद में, बोले कौन, बोले श्री लोकनाथ दास गोस्वामी। वो क्या करेंगे हमें लेकर कहाँ अर्पण करेंगे, बोले श्री रूप कर पाद पद में मोरे समर्पित, श्री रूप चरण लेकर हमें समर्पित करेंगे। बोले इसका मतलब क्या है, कहते इसका मतलब है हमें कौन भगवान तक ले जाएगा। अगर आप कोई बोलेगा नहीं हम तो डायरेक्ट राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, कोई भी कृष्ण की राधा रानी की सेवा डायरेक्ट कोई प्राप्त नहीं कर सकते। उसका माध्यम क्या है, उसका माध्यम बोले कपे लोकनाथ मोरे संग ले जाए। लोकनाथ दास गोस्वामी कौन, बोले मेरे गुरुदेव है। कब ऐसे दिन होगा जो गुरुदेव हमें हाथ पकड़ कर कहाँ ले जाएंगे, श्री रूप गोस्वामी के पास। फिर रूप गोस्वामी हमें क्या करेंगे, फिर लेकर के श्री ललिता के पास में पहुँचाएंगे, फिर ललिता सखी क्या करेगी, फिर हमें लेकर के श्री राधा रानी को बोलेगी एक नई दासी आई है आप कृपा करके इनको अपना सेवा में नियुक्त करो। फिर राधा रानी की सेवा, फिर राधा रानी की कृपा से श्री कृष्ण सेवा में प्राप्त होगा। डायरेक्ट कोई भी राधा कृष्ण की सेवा को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं हैं, वो कहते हैं रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकोते अभी हम हो जब से युगल प्रीति। राधा कृष्ण की जो युगल जो प्रीति जो प्रेम है ये चीज़ वो कब हम समझ पाएंगे, उनको क्या प्रेम है कब समझ पाएंगे। जैसे रूपो रघुनाथ पदे जब हमारी आस होगा उनके चरण में पूर्ति होगी तब श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कृष्ण की सेवा में हमें निवृत्त करें। इसलिए हमारे जितने सब गोस्वामी हुए सब के सब रूप गोस्वामी के चरण की वंदना की। इसलिए कहते आद दानम स्त्रीनम दत्तई रिदम जाचे पुनः पुनः श्रीमाद रूप पदा बोध भूलिश्याम जन्म जन्मनी। इसका मतलब क्या है, कहते मैं दांत में तीर्णता लेकर के हैं अपने चरण में बारंबार हम प्रार्थना करते कि क्या प्रार्थना करते हैं, तब हमारे कैसे सौभाग्य होगा श्री रूप गोस्वामी के चरण की एक धूल हम उनके चरण की एक धूल बन जाए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते श्री रूप गोस्वामी ने आकर के हमें ये भक्ति को एक उन्होंने रसरूप प्रदान किया है, रसरूप प्रदान किया है। अभी यहाँ पर कह रहे हैं भैया ये ब्रह्म क्या है, विशेषकर भारत में तो लोग भ्रमित है, कोई कहते हो तो निरामकारी, कोई कहते उनको योग समाधि कर अंगुष्ठ परिमाण परमात्मा के हृदय में ध्यान करो है। आपको पता होगा जो सत्संग कहते ना क्या उसको सत्संग जो बड़ी बड़ी जगह पर जो सत्संग बोला हुआ आप देखें राधा स्वामी वगैरह हाँ राधा स्वामी और जो बड़े बड़े इस सबके सब निरामकारी निरामकारी हैं, ये भगवान को सबके सब निराकार समझते। अरे भगवान अगर निराकार तो कहाँ से आ गया, फिर
तुम फिर कहाँ से आए? अगर वो अगर निराकार हो गए, तुम फिर कहाँ से आ गया? अगर तेरे बोले भाई तेरे पिता कौन बोल दिए, अगर तेरे पिता कौन बोल दिए, बोले तेरे पिता कौन ये, तेरा पिता ये है ना, बोले मेरा पिता ही नहीं, तो निराकार है। तो अगर पिता तेरे निराकार, तू कहाँ से आ गया? फिर तू कहाँ से आया? इसलिए भगवान की सुंदर रूप है, भगवान की रे प्यारे रूप है, जिसको श्री राधा रानी कहती है। बोले बराहा पीड़म नट बर बपू करनयो कर्णिकारम विव्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती चमालम रंधन वेणुरधर सुधया पुरया नवोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत। राधा रानी वर्णना करके कृष्ण कितने सुंदर कृष्ण हैं, कितने मीठे मीठे बंसुरी बजाते हैं, उनके तेजी चितवन कितने सुंदर, उनका नासिका कितने सुंदर है, उनकी चरण कितने सुंदर हैं, बस गड़े में गले में सुंदर जैसे माला पहने हुए, कान में कुंडल पहने हुए, और उनका जो रूप है कद नबनी भर, इसलिए कहते नब नीर नींद नब नया जो मेघ को निंदन करने वाले उनका जो कांति की जो रंग है, हैं इसलिए कितने कितने वेद पुराण में भगवान की कितने सुंदर सुंदर पानी जरूर कितने उनकी सुंदर रूप की उन्होंने वर्णना किया है। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं भले नव मिटते अभ्रभुषे तड़ितम वराय गुंजावतंस परिपीचल सत मुखाय। ब्रह्मा स्वयं भगवान की कितने सुंदर रूप की वर्णना करते हैं। कहते श्री कहते मथुरा के हैं कहते द्विजो पत्नियाँ कहते श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल वरहा धातु प्रबाल नट भेष मनुव्रतांश। इसलिए हमारे वेद पुराण में भगवान की कितने कितने सुंदर रूप है, रूप है तब तो उन्होंने लीला की, जब तो राम और कृष्ण रूप में आए तो उनका रूप नहीं बताते कहा, कितने सुंदर लीला करते कुछ कहते ना वो तो निराकार ये निराकार से वो साकार रूप में आए नहीं। कि जब कोई चीज नहीं है वहां से चीज आया कहां से? इसलिए बताए उनका जो मौलिक जो रूप है, मौलिक मतलब जो मूल है वो आकार है, हैं आकार जो निराकार, फिर उनको शास्त्र में फिर निराकार फिर क्यों होता है, उसको निराकार क्यों होता है? तो इसका रहस्य बताए, जैसे किसका नाम नहीं उसका क्या नाम है, और नाम जिसका धन नहीं हाँ निर्धनी हैं, जिस उसी तरह यहाँ पर बताए जिसकी रूप नहीं वो अरूप होगा, वो निराकार नहीं होगा अरूप होगा, जिसका रूप नहीं अरूप होगा, लेकिन यहाँ पर निराकार करके तो यहाँ पर बताए शास्त्र बताते हैं निर्गत आकार जस्मात सह निराकार, बोले जिनकी ये जड़ रूप नहीं, जिनकी ये रूप है लेकिन जिनका रूप सच्चिदानंद रूप आया, जिनका रूप दिव्य रूप है जिनका, इसलिए जिनसे ये जड़ रूप निकल गया इसलिए उनको निराकार कहते हैं। निराकार मतलब ये नहीं इनका रूप ही नहीं है। इसलिए पहले श्री सुखदेव गोस्वामी वो भी ब्रह्मज्ञानी में थे निराकार, लेकिन जब कृष्ण की सुंदर माधुर्य के रूप उन्होंने सब कुछ उन्होंने छोड़ करके बोले कुरुपन अहित की भक्ति इतम भूत गुणरी, भगवान की ऐसे रूप माधुर्य लीला माधुर्य कभी जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं बड़े बड़े ज्ञानी जो भी उसको समाधि को छोड़ करके भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं, ऐसे भगवान के रूप कहते श्री चतुसर वो भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भी निराकार निराकार कहते थे, लेकिन जब एक बार प्रभु नारायण के रूप देखा उन्हें सब कुछ छोड़ दिया। कहते श्री शंकर जी
लेकिन ये भी शंकर जी पहले निराकारी बात किए थे, लेकिन जब भगवान रूप को देखा शंकर जी, वो भी सबके सब त्याग दे दिए। इसलिए बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े जो निराकारी निराकारी थे, जो भगवान के रूप की कथा, भगवान की लीला की कथा सुने, वो सब छोड़ कर जो उन्हें प्रभु की भक्ति में लग गए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए श्रुति अर्थात वेद ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। इसलिए कहते वेद को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण, इसलिए वेद को मानी जाती है। तैतरीय उपनिषद के द्वितीय बल्ली के पंचम अनुवाद के द्वितीय अंश में कहा गया है, ब्रह्म पुरुष प्रतिष्ठा अर्थात ब्रह्म आनंदमय पुरुष का आश्रय या प्रतिष्ठा। इसलिए वेद में क्या बताया गया, वेद में बताया गया कि ब्रह्म है क्या चीज, ब्रह्म कहते हैं किसको। इसलिए श्रुति में बताया गया है जो ब्रह्म है बोले जग अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्य तत्वा। इसलिए वेद कहता है भगवान इतने सुंदर, इतने प्रकाशशील भगवान, इतने माधुर्य भगवान, भगवान के शरीर से ऐसे ज्योति निकलता है, इसलिए उनको जो ज्योति निकलता है वो क्या है, कहते ज्योति अभ्यंतर मध्य है अतुल श्याम सुंदर रूपम। कहते ज्योति को अंदर में भगवान की अद्भुत से श्याम सुंदरता दिखती है। जैसे सूरज है, सूरज हमें क्या दिखती है, लाइट दिखता है ना, अब तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन ये सूरज का रूप नहीं है। सूरज का अब रूप देखे होंगे, सुंदर एक रथ है, उनमें नौ घोड़ा लगे हुए हैं, उनकी बीवी भी है, उनके बच्चे भी है, उनका पूरा परिवार है, हैं उनकी पूरा परिवार। लेकिन हमें ऊपर से क्या दिखता है, ये सब बताया ना, सुनो तब तुम बोल सकते हो। इसलिए लेकिन वो ऊपर से हमें क्या दिखती है, एक ज्योति जैसे दिखता है, लेकिन ये ज्योति नहीं, वो इतने प्रकाश, सूर्य इतने प्रकाश है, हैं लेकिन उसके अंदर में उनका रथ भी है, उनका परिवार भी है, उनका घोड़ा सब कुछ है उनका अंदर में, लेकिन वो इतने प्रकाश से है, लेकिन ऊपर से हमें केवल एक लाइट दिखती है, ऊपर से हमें एक केवल लाइट दिखती है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम, ये ब्रह्म को किसने प्रतिष्ठा की, मतलब मैंने ही ब्रह्म को प्रतिष्ठा की है। इसलिए गीता में कहते हैं तेसा अव्यक्त चेतसा अव्यक्त ही गति दुख, मेरा एक अव्यक्त स्वरूप है जो ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप को जो उपासना करते हैं अव्यक्त ही गति दुखम, जो उनका गति किया बोले दुख है, सुख नहीं। इसलिए जो लोग ब्रह्म साजुज को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब ब्रह्म में ही हम अपना सत्ता को लीन कर देंगे, उनका स्थिति कैसे, ये तो उनका स्थिति कैसे, जैसे एक पत्थर अचेतन होकर पड़े रहते हैं ना, कैसे ही अवस्था है। जैसे एक व्यक्ति नशा किया, नशा करके क्या करता है, बेहोश होकर पड़ा रहता है, उनका गति किया भले जन्म नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन जन्म मृत्यु नहीं होने पर भी वो कैसे पड़े रहेंगे, बस बेहोश होकर अचेत होकर पड़े, अज्ञान होकर पड़े रहेंगे, हैं अज्ञान जैसे पड़े रहे। इसलिए उनका गति यही गति उनकी है, इसलिए वो गति अच्छी गति नहीं। इसलिए भगवान खुद कहते हैं दिय मान अपिन गृहति मत सेवक मत सेवना, अगर मैं अपना सेवकों को भक्तों को मुक्ति देना चाहता हूँ, लो मुक्ति ले लो, ब्रह्म में डूब जाओ और निराकार में डूब जाओ। भगवान कहते दिय मान अपिन गृहति, मैं देने पर भी मेरे भक्त लोग लेना नहीं चाहते हैं, मेरे भक्तों को चाहते प्रभु आपकी सेवा चाहिए, अब तो हमें भक्ति चाहिए कि उसमें आनंद है, उसमें रस है। एक उदाहरण दिया, जैसे कोई एक चिट्टी गुड़ खाने के लिए गया, जी उदाहरण समझ लो अच्छे तरह से, ऐसे नहीं कल कथा सुनो और इधर गुड़ निकल कर, जैसे कभी कभी ना किसको साथ में नहीं जाकर उनको क्या खंडन कैसे करो गुरु चक्कर। इसलिए बोले जैसे अभी चिट्टी गुड़ खेलने खाने के लिए गया, लेकिन वो गुड़ को कैसे आस्वादन करेगा अगर गुड़ से अगर अलग रहे,
फिर जब पतला पतला गुड़ होता है ना, लेकिन चिट्ठी गया और गुड़ खाने के लिए गया उसमें ही लपट गया, फिर तो गया तो गुड़ कहाँ से खाएगा? गुड़ से अगर वो चिट्ठी अलग रहेगा तब तो गुड़ को खा पाएगा, अगर उसी में ही अगर लपट गए तो गया। उसी तरह जीव भगवान क्या है, वेद कहता है भगवान रस वैस रसम जवायाम लब्धानंद भवती। भगवान क्या है? रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए बताए अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान क्या है? अखिल मत समस्त रस का मूर्तिमान कौन है? कहते भगवान सारे रस का। इसलिए कृष्ण जब कंस की रंगशाला में प्रवेश किया उसी समय कितना जागी भावना रही जैसी हरि मुरत देखिली जैसी। इसलिए जब कृष्ण रंगशाला में प्रवेश किया बोले मल्ला नाम असरी नाम, जो मल्ल थे वो क्या देख रहे थे? बोले ये कृष्ण सख्यात वज्र सदृश है। कंस क्या देख रहा था? सख्यात काल है। इसलिए जितने जोगी ऋषि क्या देख रहे थे? यही परतत्व है, यही परतत्व है। और जितने माताएं देख रही थी बोले इसका जो दूध का दांत है वो दूध है। और जो स्त्रियां क्या देख रही थी? बल सख्यात काम देव, सख्यात काम देव देख रही थी। इसलिए एक साथ में भगवान के स्वरूप में सारे रस एक साथ में उनको शरीर में सारे रस प्रकट हुआ है, इसलिए उनको अखिल रसा अमृत मूर्ति उनको बताया गया। इसलिए अखिल रसा अमृत मूर्ति उनको बताया गया, भगवान पूर्ण रस स्वरूप श्री भगवान है। जैसे दूसरा उदाहरण दिया, जैसे आपका शरीर में कोई फोड़ा हो गया, आप किसी डॉक्टर के पास में गए, बोले डॉक्टर साहब सर में बहुत दर्द कर रहा है, फोड़ा होगी। बोले सर है ना तभी तो दर्द कर रहा है, गला काट दो। इसे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सर दे ना काट दो। लेकिन एक डॉक्टर के पास में गए बोले भैया कोई चिंता मत करो, हम इसको चीर फाड़ करके जो हाथ पीक पीक निकाल देता हूँ, बैंडेज कर दूंगा, थोड़ी सी दर्द होगा फिर सही हो जाओगे। अभी कौन सा डॉक्टर के पास में जाओगे? जो बोलेगा गला काट दो उसको पास में जाओगे ना, जो बोलेगा तुम्हारे सर में हाँ दर्द है हाँ उसको बैंडेज कर देता हूँ, उसको ऑपरेशन कर देता हूँ, सही हो जाओगे, कौन सा डॉक्टर के पास में जाओगे? ऑपरेशन वाले के पास। हाँ जो सही कर देगा। फिर उसी तरह जो निराकारवादी जो ब्रह्मवादी उनका जो फिलोसफी है, भैया संसार में आओगे ना दुख कष्ट भोग करो, हैं दुख कष्ट भोग के जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट भोग करके, इसलिए क्या करो? वो जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसलिए क्या करो? अपना आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो, बांस न बजे बांसुरी। लेकिन एक ने क्या, भैया कोई चिंता मत करो, बोले संसार में क्यों आए हो? बोले तुम अमृत सपुत्र, तुम किसके बच्चे हो? भगवान की संतान, वो रस स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप तुम उनकी संतान हो, उनकी भूलने के वजह से संसार में आए और संसार में दुख कष्ट उठा रहे हो। भैया एक बार भगवान के एक्सक्यूज भी इतना तो बोल देना, ठाकुर जी मैं तेरे संतान हूँ, तेरे को भूलने का वजह से संसार में दुख कष्ट में भोग कर रहा, इसलिए हे प्रभु एक बार मेरे को अपना चरण में स्थान दे दो, अपना भक्ति सेवा दे दो, बस हो गया, बस आपकी हो गया, आपकी काम ही बन गया आपकी। इसलिए हमें सुसाइड नहीं करना है, हमें क्या करना, बस तो बीमारी है, बीमारी भगवान को भूलने का बीमारी, ठाकुर के चरण में केवल शरणागत हो जाओ, सारे काम तुम्हारी बन जाएगी, सारे काम तुम्हारी बन जाएगी। इसलिए हमें हमें सुइसाइड नहीं करनी है, हमें क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते कहते श्रीमद् भागवत में कहते श्रीमद् भागवत में कहते ये भागवत क्या है, कहते निगम कल्प तरूर गलितम फल। भागवत को बताया निगम मतलब होता है वेद, कहते ये वेद रूपी कल्प वृक्षता भागवत पका हुआ फल है। इसलिए भागवत में क्या बताया गया है, ये ब्रह्म के बारे में भागवत में क्या बताया,
भागवत में बताया सुखदेव गोस्वामी पहले वही ब्रह्मज्ञानी होते थे एकदम। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। तो केवल ज्ञान में तो विज्ञान, विज्ञान किसको कहते हैं जो अनुभूति शब्द और एक होता है केवल तत्व को जानता है लेकिन एक होता है उसमें डूबा हुआ है। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिनिष्ठित अपि निर्गण उत्तम श्लोकलीलय। सुखदेव गोस्वामी परिनिष्ठित मतलब वो ब्रह्म में पूरा डूबा हुआ था है, उन्होंने पूरा के पूरे डूबे हुए थे ब्रह्म में, केवल ज्ञान नहीं विज्ञान था। जगत में जितने लोग बोल रहे सो ज्ञान है, वो विज्ञान किसकी अनुभूति नहीं है, है? वो अनुभूति नहीं है। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए पहले अंतर इंद्रिय बाहरी इंद्रिय को सबसे पहले तो उसको दमन करना पड़ेगा। पहले सारे अंतर इंद्रिय और बाहरी इंद्रिय को सबसे पहले क्या करो, ज्ञान में अधिकारी कोई प्राप्त कर सकता है जो बाहर और अंतर इंद्रियों को संपूर्ण रूप में वशीभूत किया, नहीं तो उसमें अधिकार नहीं है। लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं, भक्ति में ऐसे नहीं, किसी स्थिति में भी तुम भक्ति में अधिकार, बस कुछ करने का जरूरत नहीं। कथा में सुन गए भगवान के नाम जब करना शुरू कर दिया, ठाकुर का सेवा करके तुम्हारी भक्ति में प्रवेश हो गया, कोई गुण की तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन ज्ञान के लिए ऐसे नहीं, ज्ञान के तभी अधिकारी बनोगे पहले सारे इंद्रियों को दमन करो। लेकिन भक्ति के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं। पापी से पापी, अजामिल जैसे पापी हैं, वाल्मीकि जैसे पापी हैं, दशरथना कर बस बोले राम का नाम लो, बोले राम का नाम आता है बोले राम, बोले मुँह से राम नहीं निकल रहा, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ मरा मरा तो बोल सकते हो, बस मरा मरा करते करते राम राम हो गया वाल्मीकि। कहते भक्ति में और अजामिल अपना बेटे को नारायण बुलाया, भगवान को नहीं बेटे को नारायण बुलाया, उससे उसकी कल्याण होगी। लेकिन ज्ञान के लिए कहते सुखदेव गोस्वामी परिनिष्ठतम श्लोक लीलाया, वो ब्रह्म में डूबे हुए थे, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन भगवान की केवल है, उन्होंने चार चेलों से चार श्लोक सुन लिए। पहला चेले से क्या सुने, भगवान कितने सुंदर हैं बराहा पिडम नटवर बुद्ध। दूसरे चेले से क्या सुने, कृष्ण कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं श्री वृंदावन धाम में रहते हैं, हैं बोले तीसरा सुने उनका परिवार कैसे है, बस बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नम नमो। कहते भैया उनका परिवार नंद बाबा जैसे, मैया यशोदा जैसे, दाऊ मैया जैसे, बोले भैया परिवार भी बड़े सुंदर, बोले गुण बोले उनकी जैसे तो गुणी जगत में कोई हो ही नहीं सकता, वो गुण का आलय है। इसलिए बोले अहो बकिया मुस्तन काल कुंडम जिज्ञासया अपि असाध्य ले वेधा कुचित कतम कथन्यम कम बा दयालु शरणम प्रति। सुनते ही पागल हो, बोले पुतना जैसे राक्षसी जिनको मारने के लिए आए, जो राक्षसी कृष्ण के लिए जहर लेकर के आई थी और बच्चों का खून पीने वाली थी, अपवित्र थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी भगवान क्या किया, ऐसे व्यक्ति को भी उन्होंने बोलो कि वृंदावन में धात्री चित्त पत्नी दे दिया, भाई मैया की पत्नी दे दिया, बात सुनते ही पागल। इसलिए भागवत में ये प्रमाण मिलता है बड़े बड़े चतुसन जैसे भगवान के चरण तुलसी और चंदन की सुगंध कहाँ से, वैकुंठ से आए, और एक बार केवल उनको नासिका में प्रवेश किया पागल कर दिए, बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहे हैं, बोले वैकुंठ से भगवान के चरण तुलसी की सुगंध, बोले वो कितने सुगंध नहीं है, बोले बेटा जाओ देख करके आओ, क्योंकि ब्रह्मा सोच रहे थे इनको तो जन्म दिया लेकिन ये जीवन इनका बर्बाद हो गया, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान में चले गए, कहाँ उनको भक्ति रस मिलनी चाहिए और ब्रह्म ज्ञान में चले गए, दुखी थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा हैं, तब तक भगवान को निराकार निराकार कह रहे जब तक उनको देख नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस समय श्री जनक भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भगवान को निराकार निराकार मानते थे, लेकिन जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में आए बोले इन नहीं विलोकिता अति हरसिता बरब स ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। लेकिन जब उन्हें राम लक्ष्मण को देख लिया ना, वो जो ब्रह्म 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 बोल रहे थे, उनको दर्शन करते ही अपने आप हृदय से वो ब्रह्म सुख का खत्म हो गया,
और राम रूप में पूरा के पूरा उसमें डूब ही गए, पर समझ गए भैया ये धनुष को मेरी बेटी उठा लेती है, जिसको चार से व्यक्ति उठाते हैं मेरी बेटी सीता एक हाथ से उठा देती है, इसलिए वो लक्ष्मी लक्ष्मी को पति के बोला नारायण ही हो सकता, और राम ये ब्रह्म नहीं, राम कौन है, ये परम ब्रह्म श्री राम है। इसलिए यदि भागवत की उदाहरण देते हैं, श्री ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं भगवान की, स्तुति करते करते उस स्तुति में भी वहाँ पर भी बताते हैं आरुज्य कृष्ण परम पद तत पतंती अथ जुस्मद अंतर, यदि भगवान के चरण को जो अनादर करते हुए बड़ी कठोर साधन भजन से बड़े उच्चे पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान के चरणों को अनादर करने का ना तो उनको पतन होगा, उनको पतन होता है उनको। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर बताना चाहते हैं भैया ब्रह्म कौन है, भगवान की अंग कांति, भगवान की अंग कांति ब्रह्म है, लेकिन मूल कौन है, कृष्ण। कृष्ण कौन है, अखिल रसामृत वृत्ति, सारे रस का वृत्तिमान स्वरूप से भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही, ये सारे रस का वृत्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र हैं। इसलिए हमें ब्रह्म की उपासना नहीं करनी चाहिए, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए, यदि भगवान कृष्ण। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं, फिर उन्होंने किए लिखे हैं जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्चात अनुभा, यदि उपनिषद में जिसको ब्रह्म बताया गया वो क्या है, बोले भगवान के अंग की छटा, भगवान के अंग की कांति, और जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको योगी लोग हृदय में एक अंगुष्ठ परिमाण रूप में भजन करते हैं वो कौन है, बोले भगवान की एक अंश है, हैं ये कौन है जो अंगुष्ठ परिमाण, कहते हैं श्री क्षीर दसाई विष्णु, भगवान कृष्ण, कृष्ण से बलदेव, बलदेव से शंकर सर, इनसे चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से वहाँ वासुदेव से फिर तीर विष्णु, कर्णदेवसाई गर्भदेवसाई क्षीराब्दिशाई, ये क्षीराब्दिशाई विष्णु ही कौन है, कहते ये श्री हर जीव का हृदय में जो परमात्मा रूप में बैठे हुए अंगुष्ठ परिमाण में वो कौन है, कहते भगवान कृष्ण की अंश है। लेकिन कृष्ण कौन है, अरे कृष्ण है सर्वैश्वर्य पूर्ण जो भगवान है, जो पूर्ण ब्रह्म कौन, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जिन्हें जिनके अंदर में समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस्य श्रीय ज्ञान वैराग्यस्य शरणं गम, जो कि जिसके अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण रूप में होगा वो भगवान है। क्या क्या छह गुण है बोलो, ऐश्वर्य शक्तिमान कहते हैं सौंदर्य यशवान, इसलिए जिनका अंदर में छह जो गुण परिपूर्ण थोड़ी थोड़ी बड़ी नहीं समग्र से ऐश्वर्य से माँ लक्ष्मी जी के चरण की सेवा कर रहा हूँ, एक लक्ष्मी नहीं ब्रह्मा कहते हैं सतसम ब्रह्म सभ्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम गजानम, जिस ब्रज में एक लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी सहस्र हजार हजार लक्ष्मी क्या कर रही हैं, ब्रज में झाड़ू लगा रही, ब्रज में झाड़ू लगा, इसलिए श्रेत इंद्रिया वृंदावन धाम किया भले श्री लक्ष्मी की चिदाभूमि हैं, समग्र से ऐश्वर्य से वीर्य, वीर्य मतलब पराक्रम, जिनसे पराक्रम दुनिया में कोई नहीं, जो छः दिन में कितना मारे, एक महीना में सकटा सुर मारते हैं, तीन महीना में त्रिणावर को मारते हैं, चार साल में बकासुर को, पाँच साल में अघासुर को, छः साल में कालिया कुंडत, ग्यारह सात साल में गिरिराज, और आठ नौ साल में आठ नौ साल में उन्होंने राज बचाए हैं, जिसने कंस को पछाड़ दी हैं, बड़े बड़े दैत्य को जिन्होंने पछाड़ दिया, कहते कौन है, कहते भगवान श्री कृष्ण चंद्र, सारे पराक्रम समग्र से ऐश्वर्य से वीर्य से वीर्य से जस, जिनकी जस केवल भारत में नहीं
यदि कहा जस विश्व ब्रह्मांड में, बोले ब्रह्मांड में नहीं, इसका जस वैकुंठ है, जिनका जस अयोध्या में मथुरा में, जिनकी जस द्वारका और गोलोक वृंदावन में, जिनकी जस गाई जाती है, हर दुनिया में जिनकी जस है। इसलिए बलदेव प्रभु भी अनंत मुंह में अनंत भगवान की महिमा को गा जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको समाप्त नहीं कर पाए। इसलिए समग्र ऐश्वर्य से विजस जस स्त्री, स्त्री मतलब सुंदरता, जिनसे बड़े सुंदर जगत में कोई है नहीं, जिनकी सुंदरता देखकर लक्ष्मी स्वयं तपस्या कर रही हैं, नारायण चोरी करते हैं और कृष्ण खुद रूप देखकर पागल हो जाते हैं, कहते मैं कब राधा रानी बनकर के रूप को मैं कब आलिंगन करूँ। इसलिए ज्ञान, जिनका अंदर में पूर्ण ज्ञान है, हैं कैसे ज्ञान है, जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो 64 दिन में 64 विद्या को पढ़ लेते हैं। इसलिए शांति बने ऋषि बोले भैया एक एक विद्या को पढ़ने के लिए जीवन लग जाते हैं, तो पूरा 64 दिन में 64 कला को उन्होंने अध्ययन कर लिया। ये जरूर भगवान, ये जरूर भगवान, भगवान के सिवाय यार कोई कर नहीं सकते। इसलिए जिन्होंने मरे हुए पुत्र को मांगे तो मरे हुए पुत्र को उन्हें वापस ले। इसलिए कहते जो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य, जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य, वैराग्य कब प्रकाश होता है, जब कृष्ण रासलीला किए और उन्होंने मीठी मीठी बंसी बजाई, सब गोपियाँ वहाँ पर आई, कृष्ण गोपियों का तो अच्छी बात है, आए हो कि जंगल की शोभा को देखो और अपना घर में चले, हाँ जहाँ पर सुंदर कलकल नाद से जमुना बह रही, जहाँ बेली चमेली जुई सुंदर फूल जहाँ खिले हुए एकदम अर्ध रात के पूर्ण जयवर, उसी समय में भगवान की गोपियों के ऊपर कोई आसक्ति नहीं, ये आए हो अच्छी बात है, दर्शन करो अपना घर में जाओ, पतिव्रता नारी हो, पति सेवा करना तुम्हारी कर्तव्य घर में। जिनकी गोपियाँ कितनी सुंदरी, अद्भुत सुंदरी गोपियाँ, लेकिन जहाँ पर उनको अंदर में कोई आसक्ति नहीं, कोई उनको आसक्ति नहीं, पूर्ण वैराग्य उनके अंदर में। और जिस समय कृष्ण ने द्वारका में 16,160 पटरानियों से शादी किया, हर रानियों से 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, लेकिन इतना सब कुछ किया, लेकिन करते हुए भी भगवान क्या किया, प्रभास क्षेत्र में सब खत्म कर दिया, कृष्ण सब खत्म कर दिया, अब खत्म करते हुए नीचे अपना धाम में कृष्ण चले गए। इसलिए कहते जिनका अंदर में पूर्ण वैराग्य हो, कहते वो भगवान है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म उनकी अंग की छटा है और परमात्मा इनके अंश है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म कौन से भगवान, श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए यहाँ पर स्थापन करते हैं हमें ज्ञान का तरफ में नहीं जानी चाहिए, योग का तरफ में नहीं जानी चाहिए, हमें कर्म मार्ग में नहीं जानी चाहिए, कौन सा मार्ग में जानी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति मार्ग में जानी चाहिए और उनका कौन सा रूप का आराधना करनी चाहिए, यदि ये कृष्ण रूप का हमें आराधना करनी चाहिए, ये कृष्ण ही, श्रील रूप गोस्वामी कहते ना कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, जो कृष्णानुशीलन, जो कृष्ण की अनुशीलन कहते हैं वो उत्तम भक्ति। केवल कृष्ण नहीं, कृष्णा, कृष्णा मतलब श्री राधा रानी, राधा रानी को साथ में कृष्ण भजन करना पड़ेगा, ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जो गल किशोर, जीवने मरने रति आर नाहि मोर, कालिंदीर कोले कदमे श्याम गौरी अंगे दिवजुआ चंदनी श्याम रुलाव शांति माला दिव तुम्हारा
Hare Krishna, Hare